और बहनों, धीरे सजनों, कैसे हो आप सभी लोग। तो फिलहाल आज मैं निकला हूँ एक गांव की तरफ। तो आज नहीं, कल है वो, उस गांव में करसाड़। तो करसाड़ जाएंगे, आप सभी को दिखाएंगे और सिनेमैटिक वीडियो निकालूंगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, बेल आइकन दबा देना, क्योंकि अभी अपन लगभग 35 किलोमीटर पार कर चुके हैं। तो फिलहाल मैं अकेला जा रहा हूँ वीडियो शूटिंग करने, और गोप्रो तो नहीं लाया, मोबाइल से जितना हो सके उतना शूटिंग करूँगा। तो आप सभी को दिखाऊँगा किस तरह से करसाड़ बनाया जाता है और गोंडी लैंग्वेज में बोला जाता है करसाड़। जिस लोकेशन में जा रहे हो, मैं फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ उस लोकेशन पे। तो गांव है और बहुत ही प्यारा गांव है। तो आप सभी को वीडियो दिखाऊंगा, वीडियो में बने रहना, ठीक है। और मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं, तो अभी मैं आप सभी को बता दे रहा हूँ। तो मिलते हैं उस लोकेशन में, और कल है तो अपन कहीं देखेंगे स्टे करने का। अगर इस मिल जाता है स्टे करने का तो अपन रुक जाएंगे और आप सभी को कल दिखाएंगे, ठीक है। और बहुत ही प्यारा करसाड़ होने वाला है। तो गांव का लैंग्वेज में बोलते हैं जतरा, और करसाड़ भी बोला जाता है। एक तरह से मेला टाइप है, गांव वाले सब इकट्ठा होके नाच गाना करते हैं और देवी धाम का पूजा वूजा होता है। अभी देव खेल रहे हैं इधर। अंदाजा आप ऐसा लगा सकते हैं कि बिल्कुल खेत के बीचों बीच में ये करसाड़ हो रहा है, और यहाँ पर लगभग 200 से भी अधिक गांव के लोग यहाँ पर आते हैं, इस करसाड़ में सम्मिलित होते हैं। और जितना राव ये है और कहीं नहीं। Thank you.
छोटे बच्चे से लेकर बड़े लोग सब लोग गाना गा रहे हैं। ये कैसे हो गया मैं समझ नहीं पा रहा कि लोग मेरे बीच में आ गए और मैं कैसे बीच में आ गया और लोग सब नृत्य कर रहे हैं। अभी बारिश हो रहे हैं, बारिश होने के बाद भी देखिए छोटे बच्चे और बड़े यहाँ पर नृत्य कर रहे हैं और ये रात भर गाएंगे। अगर रात भर बारिश होगा, बारिश में भीगते भीगते नाचेंगे। तो पुराने समय में जब यहाँ पर देवी देवता नाचते थे, उसके बाद जो युवा साथी होते थे तो वो खाली बैठे रहते थे। तो इस कारण से इस तरह का कक्षाड़ रखा गया, नृत्य रखा गया, जिसमें युवा साथी नाचे गाए।